हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे कद्दू की बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्ज़ी, जो कि आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और कद्दू आपको मार्केट में हर मौसम में मिल ही जाता है, और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। और ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट, इतनी ईजी सब्ज़ी है कि इसे कोई भी बना सकता है। बिगिनर तो इसे बहुत ही आसानी से बना सकती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आपने अधिकतर देखा होगा कि कद्दू की सब्ज़ी नवरात्रों के दिनों में ही बनाई जाती है, जो कि पूरी के साथ सर्व की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिया है ये कद्दू है। आप लोग कहोगे कि किस शेप में है, ये लौकी की शेप में कद्दू है और ये इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमने इसका ऊपर का और नीचे का पार्ट हटा दिया है और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में, ये देखिए, इसको वॉश करके हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इसको हमने कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पे ऐड करें। आप तेल कम या ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेल नहीं खाना पसंद करते तो आप इसे एक चम्मच तेल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 8-10 काली मिर्च ऐड की है और यहाँ पे हमने एक चम्मच बड़ा मेथी दाना यूज किया है। इससे कद्दू की जो सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी जगह आप जीरा भी ऐड करें, पर मैंने यहाँ पे जीरा नहीं ऐड किया है। अब हमने कटे हुए स्लाइसेस में प्याज ऐड कर देते हैं और इनको भून लेते हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ये देखिए, जब इसका कलर थोड़ा गुलाबी कलर में हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने लहसुन। यहाँ पे लहसुन की मैंने बड़े चम्मच 2 लिए हैं, उनको हमने कूट के डाला हुआ है। आप इसे चॉपर में चॉप करके डालें या इसका पेस्ट डालें। और यहाँ पे हरी मिर्च काट के डाली है। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाना चाहते तो इसकी जगह आप लाल मिर्च का या यूज कर सकते हैं, सूखी लाल मिर्च यूज कर सकते हैं। सूखी मिर्च से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हमने जो अपने कद्दू काट के रखा हुआ है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और हम अब चला लेते हैं। चारों तरफ से हमें इसको मिक्स कर लेना है। तड़के का जो भी फ्लेवर है वो हमारी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि हमारी सब्ज़ी जब इसमें तड़के में मिक्स होएगी तो इसका फ्लेवर हमारी सब सब्ज़ियों में आ जाएगा। कद्दू पानी बहुत छोड़ता है। इसमें आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कद्दू जो होता है वो काफ़ी पानी छोड़ता है। तो इसे हमें ऐसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद हम इसे थोड़ा ढक देते हैं कि ऊपर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन उतार के एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमारा कद्दू वो सॉफ्ट हो चुका है। इसने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हम इसे चारों तरफ से चलाते हुए, अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम एक चम्मच राई ही डालेंगे, सरसों ये हमने पीस के डाला, इसका पाउडर बना के डाला हुआ है। और ये हमने
घर पे मसाला ऐड बनाया हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर दिया। यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे जिसे हम देगी मिर्च कहते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देना है। मसालों को भी हम सब्ज़ी में मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपने मसालों को चलाते हुए धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेना है। इस सब्ज़ी को हमें बनाने में 10 मिनट लगे, काटने और बनाने में टोटल हमें 10 मिनट लगा है इसको बनाने में। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले हो चुके हैं अच्छे से मिक्स। आप इसमें खड़े मसालों का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे ढक देते हैं। और ढकने के बाद यहाँ पे देखिए हमने उतार दिया है इसका ढक्कन। और ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है। ये काफ़ी पानी छोड़ता है और इसकी एक ये पहचान है कि कद्दू की सब्ज़ी का कि अगर आपका पानी सूख गया है, एक तो पानी सूख जाता है, दूसरा ये होता है जब हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है तो ऊपर तेल छोड़ देती है। हमें तो इसे भी गैस हमने अभी बंद नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी सब्ज़ी देखिए तेल छोड़ दिया है और हमारी सब्ज़ी अब परफेक्ट तरीके से बनकर हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसका गैस का फ्लेम हम कर देते हैं बंद और इसको चलते हैं सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है और अब हम प्लेट में अपनी सब्ज़ी को निकाल लेते हैं। ये देखिए तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, इसी आप चावल के साथ खाएं। चावल के साथ ये सब्ज़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सब के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए ऐसी मैंने गार्निश के लिए इसमें मैंने ये लहसुन रख दिया है। तो लहसुन को आप स्किप कर सकते हैं, ये तो ऐसे मैंने इसको सर्व करने के लिए रख दिया है। और अब हमारी सब्ज़ी बनकर हमारी हो चुकी है रेडी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और